भोपाल के रातीबड़ पुलिस स्टेशन में एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करने पर बजरंग दल के संयोजक नीरज प्रजापति, उपाध्यक्ष मनोज राठौड़ एवं अन्य कार्यकर्ताओं को थाने में घेरकर पुलिस ने मारपीट की। इसके बाद पुलिस के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। रातीबड़ पुलिस स्टेशन में बजरंग दल नेताओं को घेर कर पीटा गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री राजेश जैन ने बताया कि एक सामान्य एक्सीडेंट के झगड़े में एक तरफा पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध बजरंग दल के जिला संयोजक नीरज प्रजापति, उपाध्यक्ष मनोज राठौर एवं अन्य कार्यकर्ता FIR कराने पहुंचे, जिनको थाने में घेर कर पुलिस के द्वारा मारपीट की गई और गाली गलौज की गई। जैन ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कोई अपराधी नहीं है, ना ही उनके विरुद्ध कोई वारंट है, तो फिर रातीवर थाना प्रभारी के द्वारा किस अधिकार से ये व्यवहार किया गया। हमारी मांग है कि इसमें धारा 154 मानवाधिकार उल्लंघन की धारा, योजना पूर्वक अपराध की धारा भी जोड़ी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी कानून का रक्षक कानून के विरुद्ध आचरण न कर सके। जिन्होंने मानवाधिकारों का भी उल्लंघन किया है, जिन्होंने आम जनता की आवाज को दबाने का भी प्रयास किया है, उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। जो वहाँ पर TI है, TI साहब जिनके निर्देशन में सब हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। तो हो सकता है सरकार भी उसमें विचार कर रही होगी। हमने अपना निवेदन सरकार से भी किया है और पुलिस अधिकारियों से भी किया, पुलिस प्रशासन से भी किया है। वो कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ताकि हम हमारे कार्यकर्ता आगे कोई भी इस आंदोलन को आगे और ना बढ़ाए। इस बेरहमी से, जिस दुर्दांत तरीके से बड़े अपराधियों को नहीं मारा जाता, उस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, ये निंदनीय है, इसकी घोर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।